अभी चालू कर रहे हैं। 3, 2, 1, go। हरिओम, मैं आज आप सबका हार्दिक प्रथम दिवस नवदुर्गा वंदन करती हूँ। सब ऐसे ही समझे हम है और माता के समक्ष नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत श्री धन्वंतरि स्तवन श्रवण से शुरू करती हूँ। ओम नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपद्मं लोके जरारुग्भय मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां धन्वंतरिं ब्रह्मानाथं सर्वरोगनिवारकं आयुर्वेद प्रवर्तनां वंदे पीयूषदायकं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। मैं वैद्य शुभमंगलाचार्य बेंगलुरु से हूँ। मैं लोक आयुर्वेद के कर्नाटक स्टेट की प्रतिनिधि हूँ। मैं कर्नाटक और आजू बाजू के क्षेत्र में आयुर्वेद शास्त्र की सक्रिय हूँ। अब दो शब्द आज के पैनलिस्ट के बारे में। आज जो एक निष्णात आयुर्वेदी उत्सव के डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, जन कल्याण ट्रस्ट के शरद ऋतु में उपयोगी योग हमारे जामनगर से हमारे साथ जुड़ी है। नवरात्र के उत्सव संगीत बिना अधूरा है, तो शरद ऋतु के राग में इस महामारी के नामक कोविड केयर सेंटर राजकोट में है। इसमें हम आयुर्वेद कोविड सेंटर के सीएमओ डॉक्टर ईशा चावड़ा के एक्सपीरियंस सुनेंगे। आप सब विशेष अतिथियों का और पैनलिस्ट नीलम जी आप आगे। नवरात्रि और दोनों नवरात्रि में मौन रहता था, लेकिन तय किया कि नहीं, हमें मौन रहना नहीं है, इस बार हमें कुछ और बातें करनी है। तो ये आपको आपके सामने जो आज कार्यक्रम लोकायुक्त का आया है कि नवरात्रि हेल्थ सिग्निफिकेंस, तो ये बात आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं कि वो बात हमको सिर्फ याद करनी है, अपनी संस्कृति में वो देखना है। हमारे पास कोई ये आइडिया हितेश भाई जानी का नया नहीं है, ये लोकायुर्वेद का कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भारत का ही प्लेटफॉर्म है। भारत के ज्ञान प्रवाह में ही फिर से जाना है। तो जो आज मैं बात रखूंगा, जो अभी नीलम ने बताया कि हर दिन माता का स्वरूप है जिसका पुराणों ने जो वर्णन किया है, उस वर्णन में कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं आज हमारे साथ आने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो ब्रह्मा जी ने यह कवच हमको दिया, दुर्गा कवच, तो उसमें पहला ही शब्द है प्रथमे शैलपुत्री नमः। आज की जो प्रथम नवरात्रि है वो शैलपुत्री के नाम से है। वृषभ उसका वाहन है, त्रिशूल उसके पास है, कमल एक हाथ में है, वृषभ भी कमल पे विराजता है। तो वो त्रिशूल क्या है, वृषभ क्या है, और खरा सही अर्थ में शैलपुत्र क्या है, ये बात हमको कोई और ढंग से समझना है तो मार्कंडेय पुराण में जाना पड़ेगा। मार्कंडेय पुराण में यह दुर्गा कवच जो हमारे 18 पुराण है उसमें से एक मार्कंडेय पुराण है जो उसके 47 श्लोक है,
और उसमें से खास करके नव श्लोक जो है उसकी फलश्रुति के बारे में है। और भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्माणी को और ऋषि मार्कंडेय को यह सुनाया था। अब मार्कंडेय पुराण उन्होंने जब लिखा था फिर तो मार्कंडेय जी ने भले लिखा है लेकिन सुना किसके पास था? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा यानी कोई व्यक्ति थोड़ा होगा, ब्रह्मा यानी कोई ब्रह्मा का स्वरूप, ब्रह्मा यानी ज्ञान, ब्रह्म यानी प्रकाश, ब्रह्म यानी तेज, ब्रह्म यानी धारा प्रवाह। तो उस धारा प्रवाह को ऋषि मार्कंडेय ने हमारे पास रखा, शायद वो परंपरा आती रही जाती रही, कुछ ऐसी स्थिति हुई हम भूल गए, आज फिर से उस देवी कवच को, उस मार्कंडेय पुराण को, या खास करके उसमें जो स्पेसिफिक जो ये दुर्गा की बात है और उसमें भी आज की जो शैलपुत्री का संदर्भ है उसको समझना पड़ेगा। ये कवच क्यों है? कवच यानी क्या? अभी हमने कोरोना कवच एक कीट बनाई, कोरोना से बचना है, मास्क क्या है? कवच आ गया तो जैसे अभी परिचय हुआ आपको बताया गया कि भाई राइजर ऑल्सो एक कवच, तो कवच यानी रक्षा करना, करना के बाद तो कवच यानी प्रोटेक्शन, कवच यानी कुछ लेयर। अब वो कवच फिजिकल कवच तो हो ही सकता है, हम जिसको आज के हिसाब से बुलेट प्रूफ जैकेट बोलेंगे, या वो कोई भी आपका बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट से तो बचा सकता है, नाम ही बुलेट प्रूफ है, लेकिन बैड थॉट्स है, किसी के बुरे विचार है, या कुछ ऐसे जो न्यूरॉन्स को या ब्रेन को या हमारी सेंसरी को इन्वॉल्व कर सकती है, तो उसको हमारे यहाँ राक्षस, पिशाच, ऐसा कुछ भी ऐसे नकारात्मक कवच को भी भेद की आ सकता है। हमारे खुद आरोग्य मंत्री कहते हैं कि N95 मास्क आपको, N90 PPE किट आपको बचा सकता है, ऐसा नहीं है। 450 डॉक्टर मर गए ये इसमें काम करने वाले, तो ये दुर्गा कवच है आज से जो शुरू हो रहा है हर नवरात्रि का एक जो संकल्प रचना है, उनको वेलनेस चाहिए ना? तो ये आज अब ये दुर्गा कवच का जो प्रथम दिन है, शैलपुत्री, अब शैलपुत्री यानी पहाड़ की पुत्री, लेकिन पहाड़ की पुत्री आयुर्वेद किसको मानता है, या उसमें मार्कंडेय जी ने एक और क्या विषय रखा रखा है कि हरड़े, गुजराती हम जिसको हरड़े बोलते हैं। तो नवदुर्ग दुर्गा का प्रथम स्वरूप जो है तो वो है हरड़े। अब उस हरड़े की हम बात करेंगे, आज की जो वनस्पति है, आज की जो देवी है, मेरे जैसा आयुर्वेद आचार्य स्वस्थ रहना है, माँ दुर्गा की पूजा तो उसको करनी है, और उसके बहुत अनगिनत फायदे है। राग केदार सुनाएगी कि शरद ऋतु को अगर अच्छे ढंग से पार करना है तो एक म्यूजिक का कवच कैसा हो सकता है? जब आपके सामने योग का विषय आएगा, उसी समय हेमांगी जो योग की एक्सपर्ट है, खुद तो इंजीनियर है लेकिन योग की हमारी टीचर है, तो वो बताएगी कि कैसे आज मूलाधार चक्र के ऊपर सब हमको बचाना है, कौन से योग, कौन से आसन, कौन सी मुद्राएं, कौन से संदर्भ में, आज के संदर्भ में बताएगी। तो कुल मिला के कवच बनाना है, वो संगीत से हो, वनौषधि से हो, चर्चा से हो, ज्ञान से हो। तो हम, मैं तो हूं, तो हरड़ की बात करूंगा। देखो हरितकी की कहानी भी, हमारे जो दो अश्विनी कुमार नामक जो दो हमारे वैद्य थे, जो देवों के वैद्य गिने जाते हैं, जिसका वर्णन वेदों में है, आयुर्वेद ने उसको एज इट इज एडॉप्ट किया है। तो अश्विनी कुमार तो आपको मालूम होगा शायद, अश्विनी कुमार तो बड़े सर्जन थे और उन्होंने ट्रांसप्लांट किए थे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक्सपर्टीज अश्विनी कुमार के पास थी। आज वो आपको बात समझ में आए ना, अलग बात है, लेकिन वो तो उन्होंने सुनाई थी कि भाई हरड़े क्या है। जब पूछना था तब देवराज इंद्र अमृतपान कर रहे थे और कुछ जो बूंद गिर के पड़ी
अमृत है, तो की गिरी थी, तो उसमें एक तो है पथया करने वाली है, किसी को भी कर सकती है, बच्चा है, बूढ़ा है, महिला है, कायस्थ शरीर को ठीक रखती है, बनाए रखती है, काया को स्थित रखती है, लेकिन अमृत के जो बिंदु गिरे उसमें से उसका एक नाम अमृता भी पड़ा। हेमवती शैल पुत्री है, शैल यानी पर्वत, और हिमालय पर्वत पे होती है, बाकी पर्वतों में भी होती है, लेकिन हिमालय में सबसे ज्यादा होती है, तो उसका एक नाम हेमवती भी है। चेतकी, कभी कभी लगता है कि वो मेडिसिन की बात करते हैं तो वो कुछ होगा प्रगेटिव या कुछ फिजिकल, लेकिन नहीं, चित्त को प्रसन्न करती है। उसके और गुण जब आएंगे तब बात करेंगे। और श्रेयसी शिवा, कल्याण, पथ्या हित करने वाली, कायस्थ शरीर को बचाने वाली, रखने वाली, अमृत के समान हिमालय पर होने वाली, चित्त को प्रसन्न करने वाली और कल्याण करने वाली, ऐसी हरितकी हरड़े जो भी है उसके साथ, या आप उसका बीज और उसका कच्चा फल देख सकते हैं, हरड़ का होती है तभी ये कैसी होती है। हरण के सामान्य गुण हमको मालूम होना चाहिए, मल का अनुलोमन और वायु का अनुलोमन। क्यों घबराहट होती है, क्यों पल्पेशन बढ़ता है, क्यों गुस्सा, तो वायु वायु विभु वातपित कफ में पितम भंगु कफम भंगु भंगव धातव। पित्त और कफ दोनों भंगु है, जब तक वायु उसको नहीं लाएगा तो वायु का अनुलोमन करती है। सबसे बड़ा उसका गुण है पूरे बॉडी को ठीक रखने में, वो मल का तो अनुलोमन करती है लेकिन वायु का अनुलोमन करती है। रसायन है रिजुविनेशन, आपकी एज को नहीं बढ़ने देती है, तो गुड फॉर हेयर ग्रोथ, हेयर कलर, त्वचा है वो स्किन को ठीक रखती है, स्किन का जो टेक्सचर है उसका जो क्या बोलते हैं कवच बनाता है बॉडी के ऊपर, तो स्किन के लिए, स्किन सेल के लिए अच्छा है। खास उसकी खूबी क्या है, वजन नहीं बढ़ने देती। हरितकी का सेवन अलग अलग ढंग से हम लेते हैं तो वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता, और वो अच्छा सभी को इफेक्टिव है। बालक वृद्ध सभी को वो समान गुण देने वाली है, तो इसका यह के सामान्य वो थोड़ी उष्ण वीर्य है, अग्नि दीपक है, मेधा है, चक्षुष्य पाचन क्रिया सुचारू रूप से संचालित करने है, जैसे मैंने बताया आयु वर्धक है, रसायन है आपकी जो कैसे लेना, खास करके भाव प्रकाश बताया ऋतु के अनुसार क्या मधुमेह को रोकथाम करती है। हरण नियमित सेवन इस तरह से ऋतु अनुसार करने वाले को शुगर कंट्रोल रहता है। शुगर की दवाई नहीं है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट हरण इज एंटी डायबिटिक, वो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है, वो स्मरण शक्ति बढ़ाती है, मेमोरी के ऊपर ठीक करती है। हरित की रसायन बनती है, कब्ज को दूर करती है, बहुत लोग उसका वही उपयोग करते हैं, हरड़ चूर्ण लेते हैं, हर को ऐसे ही मानते हैं कि हरड़ यानी पेट साफ करना, अब आपने वो सुना ही नहीं है उसके बारे में। पचन शक्ति हमारी जो है वो ठीक करती है, क्योंकि आंतों के लिए अच्छी है, वो जीवन शक्ति स्थिर रखती है यानी कि एंटी एजिंग है, वो सेक्स पावर बढ़ाती है, सेक्सुअल फंक्शन को ठीक कर सकती है, तो इम्प्रूव सेक्सुअल फंक्शन, रसायन और वाजीकरण भी है। फोड़े फुंसी और गाव, जो कहीं ऐसे फोड़े है, वुंड्स है, उसको जल्दी हील करना है तो हरड़ का सेवन कोई भी दवाओं के साथ लेना पड़ता है। आपको शायद मालूम होगा त्रिफला चूर्ण सब बोलते हैं, तो उसमें हरड़ा, बरड़ा और आंवला,
ये तीनों का इक्वल कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हरड़ यानी ये शैलपुत्री ली जाती है। तो हरड़ के बारे में हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, शैलपुत्री का हम यही बात खत्म करेंगे, अगर कोई प्रश्न आएगा तो बाद में बात करेंगे कि बहुत से स्पीकर आपको अलग अलग ढंग से शरद ऋतु के बारे में, नवरात्रि के बारे में इसके बाद बताने वाले हैं। लेकिन शास्त्रों ने, परंपरा ने एक बताया, यस्य गृहे नास्ति माता तस्य माता हरितकी। अगर जिसके घर में माँ नहीं है तो उसकी माँ हरड़ है। तो ये बात इतना कहते हुए मैं आज की शैलपुत्री के बारे में, हरड़ के बारे में जो मुझे कहना था उसमें बताने का प्रयत्न किया है। माँ के बारे में उनका बेटा क्या बताएगा कि माँ के गुण क्या है, अगर उसको नमस्कार कर सकते हैं। तो शैलपुत्री को नमन करते हुए मैं मेरी इस विषय की बात को विराम देता हूँ। हमारे मॉडरेटर आगे के स्पीकर के पास अलग विषय के साथ ले जाएंगे। धन्यवाद। हाँ नीलम जी आगे बोलना। नीलम जी अवेलेबल नहीं है सत्यम प्रिया जी, कृपया आगे बढ़ाइए। ठीक है तो हिमांगी जी आपका है इसके बाद। सर आपकी स्क्रीन बंद कर दीजिए और हिमांगी जी का है इसके बाद। हिमांगी जी है हमारे साथ। सॉरी मुझे एक्चुअली अनम्यूट नहीं किया था इसलिए। हाँ नीलम जी बोलिए। अच्छा थैंक यू डॉक्टर हितेश जी ने बहुत अच्छे से हमको शैलपुत्री हरड़े के बारे में, हरितकी माता के बारे में बताया। आगे हम योग एक्सपर्ट से आगे वार्तालाप करेंगे। योग का एक लक्ष्य है मन के प्रशमन के उपाय को ही योग कहते हैं। हमारी अगली वक्ता हेमांगी बेन दवे, उन्होंने बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन में अभ्यास किया है और एक योग प्रशिक्षा है। इस नवरात्रि के पहले दिवस पर योग के माध्यम से आदि शक्ति को समर्पित होकर हम आज चक्रों के बारे में अवगत कराएंगी और शरद ऋतु में प्राणायाम और आसन द्वारा पित्त शमन के बारे में बताएंगी। हिमांगी जी ओवर टू यू। नमस्कार। Am I audible to all of you? Yes. Okay. सबसे पहले हम एक श्लोक से प्रार्थना से शुरू करेंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराय वृषारूढ़ां शूलधारां शैलपुत्री यशस्विनी। इस श्लोक से हम शैलपुत्री का नमस्कार करते हैं। इसका मतलब है कि जो शैलपुत्री माता का, जो नव दुर्गा का जो स्वरूप है आज का दिन, वो उनकी पूजा करने से हमको वांछित लाभ की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है और ऐसी शैलपुत्री माँ पार्वती को हम नमस्कार करते हैं। एंड माँ शैलपुत्री इज ऑल्सो द गॉडेस ऑफ मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र इज द बेसिक चक्र इन अवर सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, उसमें मूलाधार चक्र एक एनर्जी सेंटर स्थित है और उसकी जो देवी है वो माँ शैलपुत्री है। और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट किए
उसको अगर हमें ऊर्ध्व गति देनी है तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना अनिवार्य है। और मूलाधार क्रियाएं होती हैं, उसमें से एक जो शुद्धि क्रिया मैं आज आप सबको बताने जा रही हूँ, आप सबके साथ कपालभाती एक शुद्धि क्रिया है। जनरली उसे लोग प्राणायाम समझते हैं, कंफ्यूज करते हैं उसके साथ, क्योंकि वो प्राणायाम से पहले हर बार हम कपालभाती करते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से पहले कपालभाती करनी जरूरी ऊर्ध्वगमन करवाने के लिए। तो पहले जो मैंने कपालभाति की बात की वो कैसे करते हैं अभी मैं आप सबको बता रही हूँ। पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए बैठ जाना है और सांस गहरी एक बार अंदर भर लेनी है और फिर कंटिन्यूअस सांस को बाहर छोड़ना है। कैसे? डायफ्राम को आपको ऊपर करना है, सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से प्राणायाम करने से पहले 30-50 स्ट्रोक्स मतलब ज्यादा नहीं करने चाहिए, 100-150-200 ऐसे नहीं करने चाहिए, थोड़े से करके और फिर हम प्राणायाम कर सकते। दूसरी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा यानी कि मूलाधार चक्र जो रिप्रेजेंट करता है इथर एलिमेंट, उसमें से जो इथर एलिमेंट है पृथ्वी तत्व है उसको अर्धन एलिमेंट को ये पृथ्वी मुद्रा से हम बैलेंस कर सकते हैं। और खास करके पृथ्वी मुद्रा का एक जो होता है ये हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व को, और ये जो थर्ड फिंगर है वो करती है ये जो अंगूठा है थंब हमारा उसको हम ऐसे डाउन करके अग्नि को डाउन करते हैं पृथ्वी की तरफ। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी हीट है उसको हम कम कर सकते हैं और जिसकी वजह से पित्त का प्रकोप कम होता है, जो तीन दोष है उसका बैलेंस होता है। और पृथ्वी मुद्रा के फायदे ये हैं कि एक तो जो है मूलाधार चक्र को बैलेंस करता है, तो जो मूलाधार चक्र के क्षेत्र में सारे ऑर्गन है उसको फायदा मिलता है। दूसरा, अभी बहुत ये समस्या है कि खान पान की वजह से और सब ये पित्त प्रकोप की वजह से कई लोगों के ग्रेव और हेयर ज्यादा हो रहे हैं। तो जो पृथ्वी मुद्रा का लाभ ये है कि ग्रे हेयर कम होता है और अर्धन एलिमेंट जो है वो बैलेंस होता है। तो ये आज हमने पृथ्वी मुद्रा के बारे में जाना और इसके बाद हम करेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम। हम इस श्रृंखला में जो भी अभी करने वाले हैं प्राणायाम स्पेशली वो पित्त प्रकोप को शांत करने के लिए रहेंगे, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप ज्यादा रहता है, क्योंकि पूरा योग में तो बहुत सारे आसन से मुद्रा बंद बहुत सारी चीजें हैं, तो 9 दिन में हम सबको कवर नहीं कर सकते, इसलिए स्पेशली चक्र से रिलेट करते हुए उसके जो आसन है मुद्रा है और जो सारी चीजें हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो उसके लिए आज जो पृथ्वी मुद्रा के बारे में मैंने आप सबको बता दिया, अभी मैं बता रही हूँ चंद्र भेदन प्राणायाम के बारे में। चंद्र ध्यान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठा एक साथ और दूसरा जो हाथ है राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनेगी। प्रणव मुद्रा यानी ये दो उंगलियों को ऐसे रखे हुए और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरना है और राइट साइड से छोड़ देना है। फिर से लेफ्ट से ही भरना है, राइट से छोड़ देना है। मैं तीन आपको इसके आवर्तन करके बता रही हूं अभी।
हम चंद्रवेदन प्राणायाम के 15 से 20 आवर्तन कर सकते हैं। और फिर कुछ जो आसन ऐसे हैं, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे आसन हैं, जिसमें है सुखासन, बालासन, मलासन, उत्तानासन, ताड़ासन, भुजंगासन, अंजनेय आसन, वीरभद्रासन, सेतुबंधासन, मूर्धासन और शवासन। इसमें से बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। और अभी जो मतलब क्या है कि ये रात का समय है, तो सबने पूरा जो आसन और योगाभ्यास जनरली सुबह के टाइम पे करना अच्छा होता है, तो मैं अभी ऐसे सरल आसन बताऊंगी जिससे पेट में ज्यादा दबाव नहीं आएगा। उसमें से मैं अभी दो आसन परफॉर्म करके आप सबको बताऊंगी। वैसे ये सारे आसन कर सकते हैं लेकिन टाइम उतना परमिट नहीं करता है, तो मैं दो आसन बताऊंगी। पहले हम करेंगे बालासन। बालासन करने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठते हुए एक गहरी लंबी सांस अंदर भरनी है और फिर सांस को छोड़ते हुए अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स करते जाना है, हाथों को आगे बढ़ाते जाना है और फोरहेड को ऐसे नीचे रख देना है। फिर धीरे से सांस को बढ़ते हुए स्पाइन को रोल करते हुए फिर से वज्रासन में आएंगे और फिर भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के लिए इस तरह से आगे की तरफ आते ले जाना है आपको। प्रोन पोजिशन में दोनों बाजुओं को, हाथों को चेस्ट के पास रखना है और फिर धीरे धीरे दोनों पंजों को, पैरों को बाहर की तरफ निकालते हुए एक साथ पूरा बॉडी रिलैक्स, गहरी लंबी सांस अंदर भरते हुए बिल्कुल बिना स्ट्रेन के एकदम धीरे से ऐसे चेस्ट को ऊपर उठा देना है और बिल्कुल सहजता पूर्वक बिना सांस को रोके हुए भुजंगासन को होल्ड करना है अपनी क्षमता के अनुसार। अब फिर धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और धीरे से स्पाइन को रोल करते हुए ऊपर उठते हुए फिर से वज्रासन में आके बैठ जाएंगे। नमस्कार। आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आपको आज मुद्रा के बारे में, आसन के बारे में और प्राणायाम के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है, जो मैंने अपना जो मेरे पास जो माहिती थी वो आप सबसे शेयर की है, आप सबको बेनिफिशियल रहेगी, फायदेमंद रहेगी और आपकी स्वास्थ्य के लिए। नीलम जी, हाँ नीलम जी अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। नीलम जी अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। जी थैंक यू होस्ट, काइंडली डोंट म्यूट मी, मुझे फिर दिक्कत हो रही है। थैंक यू हेमांगी दवे जी, बहुत अच्छे और उपयोगी योग ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं हम शतम हेल्थ वॉरियर्स की तरफ। डॉक्टर ईशाबेन चावड़ा एक आयुर्वेद कंसल्टेंट है, राजकोट में खुद की हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हैं और करंटली जहाँ पे मैं बैठी हूँ तो आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर की चीफ मेडिकल ऑफिसर के रोल में काम कर रही है। इतनी कम उम्र में इस हेल्थ वॉरियर को हमारा सलाम। आइए सुनते हैं डॉक्टर ईशा चावड़ा जी को और शतम के कोरोना सक्सेस स्टोरीज को। ईशा जी ओवर टू यू। थैंक यू
थैंक यू सो मच मैम. नीलम मैम नमस्कार. डॉक्टर वल्लभ जी कथीरिया सर एंड डॉक्टर हितेश जानी सर और सर्व पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार. सबको शुभकामनाएं नवरात्रि की. मैं जैसे मैम ने कहा ऑलरेडी कि डॉक्टर ईशा चावड़ा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कंसल्टेंट और दुनिया की सर्वप्रथम आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर की चीफ मेडिकल ऑफिसर. आज जब सारा देश सारा जगत सारी दुनिया सामना कर रही है कोरोना का, तब कोरोना को वो नोवेल कोरोना वायरस बोलती है. नोवेल का मतलब होता है न्यू और वो न्यू बताते हैं. पर हमारे आचार्य हमारी संहिताओं में हमारे क्लासिक्स हमारी ट्रीटीज में पहले से ही चरक संहिता में जन पदोध्वंस अध्याय में ऐसे महामारी एपिडेमिक पेंडेमिक जिसे हम बोल सकते हैं उसका उल्लेख किया गया है. और ऐसी महामारी से कैसे हम उसका मैनेजमेंट कर सके, कैसे हम उसको ट्रीट कर सके, उसको कंट्रोल और प्रिवेंट ऐसे ऐसे छोटे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमें दिखते नहीं है पर बहुत ही छोटे और कम समय में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जन पदोध्वंस अध्याय जो बरसों और सदियों पहले लिखा गया था हमारे आचार्यों से उसमें उल्लेख किया गया है. हमने यहाँ पे अराउंड 120-180 पेशेंट्स को कंप्लीटली आयुर्वेद योगा और ड्राई जिंजर थेरेपी की मदद से क्योर किया है और कंप्लीटली नेगेटिव करके उनको खुशी खुशी वापस घर भेजा है. आज जो पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होके जाते हैं वो पोस्ट डिस्चार्ज मुझे फोन करके बोलते हैं कि मैम जो हमें सर्दी खांसी होती है वो हमें जो नॉर्मल दिनों में होती थी वो भी हमें उसको क्योर होने में अराउंड 1 वीक लगती थी. तो आपके फॉर्मुलेशंस आयुर्वेद के योग की मदद से हमें बस कुछ ही घंटों इन अ मैटर ऑफ आवर्स हमें फर्क दिखने लगा. मैं सबसे ये विनती करना चाहूंगी और ये बोलना चाहूंगी कि आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ. आयुर्वेद टीचेस अस जीवन शैली हमें सिखाती है. वो हमें ऋतुचर्या में कैसे हम क्या कपड़े पहने, कैसे हम कब किस टाइम पे क्या करें क्या खाए वो सिखाती है. वो हमें दिनचर्या सिखाती है. हमारी सारी जो औषधि है आयुर्वेद की वो हमारे आसपास सर्वेश्वर है. हमारे आसपास सब जगह अवेलेबल है. आपके किचन में आपके गार्डन में सूंठ गिलोय हरड़े जैसे सर ने हमको उसके बारे में बताया, च्यवनप्राश लौंग हमारे सर्वेश्वर हमारे आसपास ही है. तो इट इज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट तो कि आप आयुर्वेद को अपनाए, उसको अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में यूज करें एंड यूज इट एज अ अमेजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिससे आपको उसके वंडर्स के बारे में और ज्यादा पता चलेगा. मैं हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हर्षवर्धन जी है उन्होंने खुद भी एक आयुष प्रोटोकॉल रिलीज किया है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो ICMR CSIR की मदद से और क्लिनिकल स्टडीज की मदद से उन्होंने आयुर्वेद को बहुत बड़ा स्थान दिया है जो जो उस वो डिजर्व करता है. और डॉक्टर हितेश जानी सर, श्री वल्लभ कथीरिया सर जो चेयरमैन है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के, और मिस्टर कल्पक मनियार सर की एक्सपर्ट गाइडेंस के अनुसंधान पे हम इतने पेशेंट्स को ट्रीट कर सके हैं. अभी मैं दो पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. फर्स्ट वन इज श्री रविंद्र खटाले जी. ही इज एन IAS ऑफिसर. ही इज करंटली वर्किंग एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कोविड कंट्रोल इन राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ही इज अ कोविड कमिश्नर. ही इज डेप्यूटी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. ही इज ऑल्सो अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड इज बिलोंगिंग फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र. ओवर टू यू रविंद्र सर. सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा खुद को. यस यस कैन यू हियर मी. यस सर. थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश जानी सर
and all the participants. First of all, I would like to share my experience. Like 15-20 days ago, I came positive. So, डर ये था कि अभी what should I do? Because जो एलोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में मैंने जो सुना था कि after remdesivir injection और steroids देने के बाद आपकी शुगर बढ़ जाती है, then other complications बढ़ जाते हैं. And पहले से ही मेरा थोड़ा रुझान था आयुर्वेद की तरफ. So I decided कि राजकोट में I am posted और राजकोट में इंडिया का पहला completely आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर है. तो क्यों ना हम यहाँ से ट्रीटमेंट ले. और आई वॉज रेस्ट अश्योर कि यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छी होगी क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स वहाँ से कम्प्लीटली क्योर होके निकल गए थे. और इट वॉज अंडर गाइडेंस ऑफ हितेश जानी जिनको सब लोग जानते हैं गुजरात में. सो मैंने भी आई टुक अ डिसीजन कि आई वॉन्ट टू गो देर एंड गेट माई सेल्फ ट्रीटेड. तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड सीइंग द चेंजेस. मेरा वायरल लोड काफी ज्यादा था. सिटी वैल्यू मेरा 18 था. सो आई वॉज लिटल बिट वरीड. But despite having such a high viral load and other things, I started with the medication. And from the very next day onwards, I started feeling better. मेरा जो कफ था, दूसरे दिन से ही कम होना शुरू हो गया. तो पूरी जो दिनचर्या थी, सुबह जल्दी उठ के आपको you will get काढ़ा मिलता था. काढ़ा लेने के बाद then you will have to do gargling. उससे पहले gargling करना है आपको, then steam लेना है. And along with that, there were some Ayurvedic tablets. जैसे कि मैंने सेप्टिलीन जेरीफोर्ट ये सब टैबलेट्स ली थी और उसके साथ पंचगव्य के भी प्रोडक्ट्स थे विच वर ऑल्सो वेरी गुड. तो गौ बल्यम था जिसके कारण मुझे लगा कि आई गॉट माई स्ट्रेंथ बैक वेरी इजिली एंड वेरी अर्ली. बिकॉज आई हैव सीन कि आफ्टर ट्रीटमेंट 15-15 दिन 20-20 दिन लोगों को वीकनेस रहता है बॉडी में. बट आई वॉज एबल टू रिकवर विद इन नेक्स्ट 7 डेज. मेरा वीकनेस सब चला गया था. मुझे लगता है कि इसका काफी सारा श्रेय जाता है शतम आयुर्वेदिक कोविड सेंटर को क्योंकि मैंने आई हैड नॉट टेकन एनी एलोपैथिक टैबलेट्स. तो बाकी लोगों को जो प्रॉब्लम्स आते थे कि बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड अदर थिंग्स बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है, मेरे केस में वैसा कुछ हुआ नहीं. एक या दो दिन में मेरी कफ सबसाइड हो गया और बाकी के कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़े नहीं. एंड अलॉन्ग विद दैट वहां पे जो योगा के क्लासेस होते थे देन देयर यूज्ड टू बी सेशंस ऑन आयुर्वेद. तो उसके कारण मुझे लगता है कि मेरा जो आयुर्वेद का पहले नॉलेज था एंड वहां पे जाने के बाद 10 दिन में आई डिड नॉट गेट बोर्ड बिकॉज आई वॉज लर्निंग न्यू थिंग्स. कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता था और इन सब चीजों के कारण आई हैव बेनिफिटेड अ लॉट. एंड आई विल ऑल्सो एडवाइस अदर्स यू शुड गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. एंड टू थ्री मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट. द फर्स्ट थिंग इज the dry ginger theory. Dry ginger, I'll just put it on silent. Sorry for the disturbance. The first thing which I would like to talk about is the dry ginger therapy. I was never aware of such a thing. Otherwise, I would not have come positive. So, जाने के बाद मैंने वहाँ पे ये सीखा कि आप एक पिंच या दो तीन पिंच जिंजर को अपने गले में डाल लेते हैं आफ्टर एवरी मील तो आपका जो कफ जमा हो जाता है वो पूरा निकल जाता है. एंड इफ यू स्निप सम जिंजर थ्रू योर नोस्ट्रिल्स तो जो भी वायरसेस या फिर जो भी बैक्टीरिया आपके नेजल पाथवे में आ जाते हैं दे ऑल्सो गेट क्लियर्ड. सो आने के बाद आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट रेगुलरली एंड आई हैव सीन पेशेंट काफी सारे लोग कर रहे हैं. एंड डिस्पाइट विजिटिंग सो मेनी प्लेसेस सिविल हॉस्पिटल या फिर कोविड केयर सेंटर में जाने के बावजूद भी दे हैव नॉट कम पॉजिटिव तो एक मुझे वो काफी अच्छी चीज लगी. एंड सेकंड थिंग जैसे मैंने शुरुआत में डॉक्टर ने बोला कि जब भी मुझे कफ होता था आई यूज्ड टू टेक चेस्ट ऑन कोल्ड फिर एजिथ्रोमाइसिन और उसके बावजूद भी 5-5, 6-6 दिन कफ जाता नहीं था. बट यहाँ पे शायद देर वॉज वन फॉर्मुलेशन कॉल्ड सीतोपलादी चून वो घी के साथ लेना होता है. तो मैंने दो जब भी मुझे लगा कि मेरा कफ थोड़ा लग रहा है मुझे सो आई स्टार्टेड टेकिंग इट और उसका रिजल्ट इतना ऑसम था कि विद इन दैट डे इटसेल्फ मुझे गले में एकदम नॉर्मल हो गया एंड माय कफ वाज गॉन अवे. सो इसके साथ साथ काफी चीजें विच आई गॉट टू लर्न कि मेरा बॉडी टाइप क्या है, व्हाट आर द काइंड ऑफ फूड्स दैट आई शुड ईट, व्हाट आर द काइंड ऑफ फूड्स दैट आई शुड अवॉइड. तो मुझे लगता है कि द थिंग दैट यू गाइज आर डूइंग और इसको और ज्यादा पब्लिसिटी मिलनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है. बिकॉज एलोपैथी में इट इज मोर ऑफ अ
पेन किलर काइंड ऑफ थिंग, आपको हेडेक हो गया आपने एक टेबलेट ले लिया आपको अच्छा लगेगा, लेकिन देयर इज नो गारंटी कि आपको फिर से होगा कि नहीं होगा। बट आयुर्वेद के बारे में मेरा खुद का अनुभव यह है कि इट ट्रीट्स द डिसीज फ्रॉम द रूट्स इटसेल्फ। सो एंड मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो पहले बिलीव था कि आयुर्वेद इज गुड, मेरे खुद के बॉडी पे आई हैव सीन द रिजल्ट्स। सो इसके साथ ही आई लाइक टू थैंक द टीम ऑफ शतम एंड एवरीवन हु हैव ट्रीटेड मी, एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम क्योर्ड एंड आई एम फिट एंड फाइन विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक ऑन दिस ग्रेट सब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेद। थैंक यू। थैंक यू सर। कैन यू हैव द सेकंड सक्सेस स्टोरी ईशा डॉक्टर? हेलो, कैन एवरीबॉडी लिसन? यस। थैंक यू सो मच रविंद्र खटाले जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी दिनचर्या और हमारी जो मेडिसिन से आपके वो अमेजिंग रिजल्ट्स मिले उसके बारे में हमें बताया। अभी नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी श्री अपूर्व प्रवीण भाई मणियार जी को। अपूर्व जी एक सिविल इंजीनियर है, वो एक बिल्डर भी है, वो सर चेयरमैन है सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के, जहाँ पे अभी 3100 स्टूडेंट्स अभ्यास कर रहे हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ आरएसएस एंड ही इज द ब्रांच कन्वीनर राजकोट नागरिक सरकारी बैंक। ओवर टू यू अपूर्व जी। नमस्कार, नमस्कार सर, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में मेरे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का आपने मुझे मौका दिया। लगभग 25 सितंबर में कोविड पॉजिटिव हुआ, और कोविड पॉजिटिव होते हैं तो ऐसा राजकोट में उस टाइम में बहुत थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, तो भय का माहौल था। पिछले कुछ सालों से मैं डायबिटिक भी हूँ, इसलिए मैंने तुरंत शतम आयुर्वेद सेंटर में कोविड सेंटर में संपर्क किया, और उन्होंने मुझे क्योंकि मेरी टेस्ट और स्मेल चले गए थे विद इन 24 आवर्स वो वापस आ गए। कैसे आए तो जो सूट का प्रयोग कहा वही पहले दिन से ही शुरू किया, तो पूरा जो यहाँ से लेके कफ गले में था वो पूरा 2 घंटे में निकल गया, और इतना अच्छा बेटर फील होने लगा। फिर पूरे दिन की जो दिनचर्या रही उसमें सुबह 7:30 से काढ़ा और सब आयुर्वेद के हिसाब से जो सेशन रहते थे, जो नॉलेज देते थे, वो भी इतने अच्छे रहे कि इतनी उम्र में जो नहीं सीखा था वो केयर सेंटर में 7 दिन में रह के पूरी जानकारी। फूड भी इतना अच्छा था, डॉक्टर्स की जो टीम थी वो भी इतनी अच्छी तरह से आके हमें गाइड करती थी कि कोविड का कुछ भय ही नहीं रहा। पहले दिन से मैं ऐसा फील करने लगा कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से अच्छा होके जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। 4 या 5 दिन में मैं पूरी तरह से ट्रीट अच्छे से हो गया, और बहुत अच्छे से मैं वापस घर पर भी आ गया। तो वही मुझे शेयर करना है कि आयुर्वेद के पास जो है, शायद मैं एलोपैथी में गया होता तो मैंने बहुत सुना है कि डायबिटिक पर्सन को वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती जाती है, लेकिन यहाँ मेरा डायबिटीज भी बहुत कंट्रोल में रहा, कुछ उसमें प्लस माइनस नहीं रहा, और उस हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन रहा। वहाँ की टीम ने जो मुझे ट्रीट किया वो भी इतना अच्छा रहा कि आज हम सब बहुत अच्छे से खुश है, और सबका आभार मैं फिर से देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू अपूर्व मणियार जी एंड डॉक्टर ईशा। आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि बहुत प्रेरणादायक एक्सपीरियंस शेयर किए सबने, और ये एक्सपीरियंस को सुनकर कोरोना के प्रति फैले भय को आई एम श्योर सबको राहत मिली होगी। आगे हम बढ़ते हैं। आहार के बिना सब अधूरा है, और काफी वक्त हो गया है रात का। मुझे याद आता है जब प्री कोरोना हम
नवरात्रि खेलते थे तो समय के हमको भान नहीं होती थी और उसमें मग्न होके मस्त हम उसका लाभ उठाते थे, बस आगे उसी तरह हम बढ़ते हैं। तो सही आहार को बताने के लिए और शरद ऋतु में इस स्पेशल रेसिपी को डॉक्टर प्रज्ञा मेहता जी हमको बताएंगे, जो कर्णावती में स्थित निष्ठा आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर की सीईओ हैं। वे 20 सालों से अपना योगदान आयुर्वेद और कर्म है। वे आयुर्वेद भी हैं तो वो भी बना और आपकी स्पेशल रेसिपी का हम सब आनंद उठाएं। जय माता जी। माननीय डॉक्टर जितेश भी जानी, डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया एवं सब हमारे एक्सपर्ट्स, जब भी कहीं भी पूजा होती है या कुछ अर्चना होती है तो सब लोग प्रसाद का ही देखते हैं कि कब प्रसाद मिलेगा। तो मेरे भाग में आपको सबको प्रसाद बांटने का समय आया है। मैं आज माता जी जो हमारी कुलदेवी है, जो हमारी दुर्गा है, तो वो पहला दिन है उसका, तो उसका जो प्रसाद होता है, जो घी का प्रसाद होता है पहले दिन, उससे हमारी तृप्ति होती है। तो घी में बनाई हुई चीजें, यानी कि शरद ऋतु है तो शरद ऋतु में पीत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पीत के समन के लिए जो उपयोगी है वो है लौकी, यानी कि लौकी का खंड पात, जिसको हम लौकी का हलवा बोलते हैं, वो आपको बताने वाली हूँ। वो उसमें क्या है कि लौकी है वो 1 केजी लेनी है, और लौकी जो ले उसमें जो बीज है वो कम हो ऐसी लौकी लेनी है। ग्रीत है, गाय का ग्रीत लेना है, वो 100 से 2 ग्राम तक लेना है। उसके साथ वो दुग्ध है वो 1 लीटर लेना है। शक्कर है वो 250 से 300 ग्राम तक लेनी है। उसमें डालने के लिए एलची यानी कि एला वो है 1 ग्राम लेना है। साथ में केसर है जो उसके तांतले होते हैं वो 10 से 15 लेना है, और एवं ड्राई फ्रूट लेना है। शायद अभी तो यूट्यूब में हमें सब कुछ बनाने की विधि तो मिल जाती है कहीं पे, लेकिन आयुर्वेद वो बताता है कि कैसे बनाना, तो जो विरुद्ध आहार ना हो और हमारी जो प्रकृति रहती है उसके अनुसार हो एवं जो ऋतु चल रही है तो उसमें हमें फायदा कारक हो ऐसे बनाना चाहिए और ऐसे प्रसाद या ऐसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बातें बता दूं तो दूधी जो अच्छी सी दूधी लेनी है यानी कि लौकी लेनी है, उसके पहले धोना है, फिर उसके छिलके निकालना है, फिर बाद में अच्छे से चीनी से छान लेना है। चीनी से छान लेने के बाद एक तरफ रखने की है, वो तुरंत ही बनानी है क्योंकि थोड़ी देर में तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और वो काली हो जाती है। तो पहले तो कढ़ाई में गैस पे हम कढ़ाई मुकेंगे, उसमें हम गोग्रीत लेते हैं। हम जहाँ आयुर्वेद जहाँ जहाँ भी ग्रीत का प्रयोजन करते हैं, जो भी यूज करते हैं वो गोग्रीत का प्रयोग करते हैं। अगर हम आपसे बात करूँ तो जो गोग्रीत होता है तो उसका गुण्य आयुर्वेद में, आयुर्वेद की दरेक संहिताओं में लिखा हुआ है, तो वो है शीत वीर्य। तो अभी जो पीत बढ़ता है तो उसमें शीत वीर्य लेने से पीत का समन हो जाता है। वैसे भी आयुर्वेद शास्त्र में जहां जहां पीत का उत्क्लेश होता है, बढ़ता है, वहां वहां ग्रुत लेने के लिए बताया हुआ है। तो जो ग्रीत होता है वो ब्रूहण है, यानी कि हमारी धातुओं को बढ़ाने वाला है। बुद्धि यानी कि वृद्धि है, क्रांति है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी को बढ़ाने वाला है, बढ़ कारक है। एवं हम जो श्रम करते हैं उसका, जो हमें श्रम लगता है उसका नाश करने वाला है। एवं हमारे जो स्वर होता है उसका भी अच्छा करने वाला है। वृष्य है और पचने के बाद वो मधुर है और हमें स्थिरता पैदा करने वाला है। ऐसा जो घी होता है वो माँ का प्रसाद होता है। तो वो घी में बनाई हुई ये पूरे हम परिभ्रमण करते हैं, इतना घूमते हैं, इतना गाते हैं, इतना गरबा खेलते हैं, तो ये लेने से हमारी सब धातुएं वो ठीक हो जाती है। तो ऐसा घी लेना है। और जो दुग्ध लेना है वो भी हमें गो दुग्ध ही लेना है। जहां जहां दुग्ध
दुग्ध है वहां वहां गोदुग्ध लेना है। अगर गोदुग्ध के बारे में भी बताए तो वो भी मधुर है, शीत है, गुरु है, स्निग्ध है, रसायन है, ब्रूहण है, स्तन्य को बढ़ाने वाला है, जीवनीय है एवं वात पीत को हरने वाला है। अभी अभी जो वर्षा ऋतु गई है तो हमारा वात भी बढ़ा हुआ है और अभी जो ये शरद ऋतु है तो पीत भी बढ़ा हुआ है। दोनों का शमन करना है तो दोनों का शमन करने के लिए गोघृत और एवं गोदुग्ध दोनों को लेना है और इसके अंदर हमें यूज करना है शक्कर का। तो शक्कर होती है वो भी शीत वीर्य होती है, रौद्रीय होती है, तो वो भी उसका यूज करना है। और हम जो सबसे पहले लौकी ले रहे हैं तो लौकी के अगर हम गुण देखें तो वो भी एकदम शीत वीर्य है, रौद्रीय है एवं श्रम जो होता है उसको मिटाने वाली है। अगर हम एलोपैथिक व्यू पे देखें तो उसमें बहुत सारा फोलिक एसिड रहता है तो ऐसे है। और हम जो उसमें यूज कर रहे हैं एला यानी कि इलायची तो वो है ऐसे प्रशंसनीय है कि वो सुगंधी है, दीपन पाचन है, हमें रुचि करने वाली है तो उसका यूज करते हैं। केसर है, जो केसर है वो भी रुद्रीय होता है और वो भी हमें रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। तो ऐसे जो बनी हुई छीनी हुई जो दूधी है वो उसको हम घृत में ऐसे सेक लेते हैं यानी कि छिंका देते हैं। फिर बाद में हम उसमें दुग्ध डालते हैं। दुग्ध डालने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको ढक देते हैं जैसे दूधी पूरी पक्व हो जाती है। फिर बाद में अच्छी सी खुशबू आती है तो फिर बाद में थोड़ा सा वो घट हो जाती है तो उसमें हम शक्कर डालते हैं। शक्कर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम उसमें रखते हैं। जब थोड़ी पक जाती है तो फिर से थोड़ा हम उसमें घी डालते हैं। घी डालने से उसमें बहुत सारी खुशबू आती है और बहुत सारा रहता है। तो उसके बाद हम उसपे इलायची डालते हैं और केसर डालते हैं। हम जो सब ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो पहले घी में तल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी धीमी आंच पर वो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। वो ड्राई फ्रूट्स भी हमारा जो सप्त धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा उसका पोषण करता है और हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ठीक करता है। वैसे जो पूरा हलवा जो बनाते हैं लौकी का हलवा जो देखा जाए जो आयुर्वेद के तौर पे और उसका जो महत्व है जो वैसे बताया हुआ है कि रक्त यानी कि जहाँ कहीं भी से ब्लीडिंग होता है चाहे नाक से होता हो, मुंह से होता हो, स्टूल से होता हो, कहीं भी अगर ब्लीडिंग होता है उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। पित्त ज्वर जो अभी जो कोरोना में बहुत सारा हाई ग्रेड फीवर रहता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। लौकी का हलवा अगर ना दे सके तो लौकी का जूस भी दे सकते हैं, लेकिन ये माता जी का प्रसाद है तो हमारे ये फायदेमंद है। और इसके साथ में अम्लपित यानी कि जिसको एसिडिटी रहती है, बहुत सारी एसिडिटी रहती है तो उसमें भी बहुत सारा ये फायदा करता है। जिसको ज्यादा तरस लगती है यानी कि पिपासा तृषा होती है उसमें भी फायदा करता है। शरीर में कहीं कहीं कभी कभी दाह होती है, पूरे बदन में जलन जैसा होता है उसमें भी ये फायदा करता है। और खास तो स्त्रियों में देखा जाए तो प्रदर होता है यानी कि मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया में इसका बहुत ही अच्छा है। एवं जिसको गर्भपात गर्भस्राव यानी कि एबोर्शन हो जाता है तो ये दूधी का हलवा खाने से बहुत ही फायदामंद रहता है। एवं गर्भ संस्कार में हम तो पूरे जो 3 महीने तक जहां जहां फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चों के ब्रेन में कभी कभी खामी आ जाती है तो उसमें ये दूधी का हलवा है, दूधी की खीर बहुत ज्यादा देते हैं। और जब लेडीज का प्रॉब्लम रहता है तो सब में यानी कि हेयर फॉल होता है, स्किन डार्क हो जाती है, सभी में हम लौकी का हलवा देते हैं। माता जी का प्रसाद है, हम सब प्रेम से आरोपते हैं तो हमें जरूर से फायदा होता है। माता जी आप सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और इम्यूनिटी बढ़ाए। थैंक यू डॉक्टर प्रज्ञा मेहता जी। ये दूधी का हलवा, दूधी की खीर बचपन से सबने खाई होगी अपनी माता के द्वारे और आज आपने नवरात्रि के अवसर पर हमको ऐसी स्वादिष्ट और आयुर्वेद के गुण संपन्न लौकी की खीर और ऐसी मस्त प्रसादी खिलाई है। थैंक यू सो मच। भारत आगे बढ़ते हैं। भारत के एक कृषि प्रधान देश है और गौ माता का उतना ही महत्व है। उन्हें माता की उपमा
दी गई है इसका राज जानते हैं डॉक्टर हितेश सर के द्वारा गौ विज्ञान के छुपे सच। डॉक्टर हितेश सर देख सकते हैं आप? जी सर। हाँ, तो आपने जो बताया अभी दूध की बात चली, दूध की बात चली, अभी हेमांगी ने योग के बारे में बताया, लेकिन गाय और पंचगव्य हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। मैं आज थोड़ी हर दिन में नवरात्रि के समय हमने संकल्प किया है कि गाय के बारे में कुछ ऐसी बात करूंगा जो शायद हमने कम सुनी हो। हम तो दूध यानी सफेद हुआ दूध, अब वो गाय का, भैंस का, किसका भी हो, अरे गाय का भी दूध है तो एरिया वाइज इको क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से गाय का कलर चेंज होता है और उसके दूध की क्षमता में परिवर्तन होता है। तो जो भाव प्रकाश और हमारे शास्त्रों में लिखा है सिर्फ दर्शकों को पाठकों को एक हिंट मिले इसलिए, बहुत गौ विज्ञान गहन है लेकिन कुछ नई नई बातें आपके सामने शास्त्रों की रखने की कोशिश करूंगा। जो सफेद गाय है जैसे गुजरात में हमारी कांकरेज है, फिर महाराष्ट्र में खिलारी है, तो जो सफेद कलर की गाय होती है, व्हाइट होती है, तो उनका दूध बहुत पाचक होता है और उनका दूध पीने वाला उसका शरीर खास करके उसके मसल्स और उसकी जो चाल है, चलने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा रहती है। जो गाय जैसे कि महाराष्ट्र में है दूसरी प्रकार की, जैसे डांगी गाय है और साउथ में भी ऐसे एक दो गाय है, तो जो चितकबरी गाय है ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो व्यक्ति को चंचल बनाता है, उसका दूध पीत बढ़ाता है, थोड़ा उसका दूध उष्ण होता है दूसरे प्रकार की गायों से। अब जो बिल्कुल काले रंग की गाय होती है तो उसका दूध मीठा होता है और वो पेट में कभी गैस नहीं होने देता। लाल रंग की गाय जो हमारी जैसे पंजाब की साहिवाल है, राठी है, फिर हमारे गुजरात में गिर गाय है, जो उनका ऑलमोस्ट कलर रेड होता है, लाल कलर की होती है, तो वो स्फूर्ति वाला, वो पीने वाला व्यक्ति बहुत स्फूर्तिला होता है। और अगर थोड़ा पीला कलर होगा तो वो पित्त को संतुलित रखता है और शरीर का ओज बढ़ाता है। तो गाय माता का कलर कैसा है, भारत में 37 प्रकार की डिस्क्रिप्ट और 67 प्रकार की नॉन डिस्क्रिप्ट गाय है, सभी गाय माता बहुत सिनिकस है। अगले और जब दिन चलेगी नवरात्रि के तो गाय के बारे में और भी चर्चा करूंगा। फिलहाल तो इतना कि आपकी जो प्रदेश की जो गाय है वो आपके लिए अच्छी है, आपके प्रदेश में जो गाय जिसका कलर और जिसकी उसकी जो शारीरिक रचना है उसकी इम्पैक्ट, उसका चारा या बाकी तो रख रखाव में तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन उनका खुद का कलर जो उनके दूध के ऊपर गुणों में इम्पैक्ट करता है और वो गुण फिर हमारे वातपित्त कफ या हमारी धातुओं में वो जो कुछ बदल लाता है वो मैंने आपके सामने बात रखी। कल और कुछ बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू हितेश सर। हितेश सर का वक्तव्य सुनकर नवरात्रि के सही मायनों में नवरसों का आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान का लोक व्यापीकरण लोक आयुर्वेद के माध्यम से चखा, आधुनिक समय में मां दुर्गा की भक्ति रस को प्रस्तुत होते हमने गरबा डांडिया के स्वरूप में देखा और उत्सव पूर्वक गुजरात और भारत के अन्य प्रांतों में भी मनाते हैं। इस रात्रि को संगीत के राग को छेड़कर हमारे आज की मेहमान भूमि रावल जी आयुर्वेदिक स्वैग के साथ प्रस्तुत करेंगी। वे भावनगर से हैं, वहीं से संगीत में वोकल में विशारद किया है, शिक्षा विशारद का अभ्यास किया है। आप जी अल्फा गुजराती सारेगामा स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं, दूरदर्शन में नवरात्रि गरबा के प्रोग्राम भी करते हैं, शरद ऋतु में पित्त शमन के लिए काफी सारे रंग संगीत में दिए गए हैं जैसे कल्याण, केदार, दरबारी एक्सेट्रा, जो आज भूमि जी हमें केदार राग पर आधारित माता जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते मैम, आपका आवाज जी। हाँ जी, ओके। मैं भूमि रावल आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ।
आज कोरोना जैसी महामारी के बीच नवरात्रि के पावन अवसर पर लोक आयुर्वेद वेबिनार का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं डॉक्टर जानी सर की आभारी हूँ। आज से शरदी नवरात्रि का भी प्रारंभ हो रहा है, तो शरद ऋतु में लोगों को बात पीत कफ ये सारे रोग ज्यादातर रहते हैं। तो संगीत में कुछ ऐसे राग है जो सुनने से पीत और वायु का शमन होता है, ऐसे कुछ रागों के नाम है कल्याण, केदार, दरबारी, कानडा। ये सभी राग शांत रस से निष्पन्न करते हैं। इसमें से एक राग केदार पर आधारित एक माताजी की स्तुति में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। केदार राग कल्याण ठाट का राग है, इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। इसका गान समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसके स्वर इस प्रकार है, ये केदार राग के स्वर थे। अब इस पर आधारित एक माताजी की स्तुति मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और एक गाना है जो गुड्डी फिल्म का गाना है, ये भी राग केदार पर आधारित है। ये मैं सुनाऊंगी आप। हमको मन की शक्ति देना, मन विवल करने देना, तू सरों की
एक गाना आपको गेस करना है जो मैं आपको उसका थोड़ा सा म्यूजिक आपको सुनाऊंगी, उससे आपको गेस करना है कि ये गाना कौन सा है। ये फिल्म सॉन्ग है और ये भी केदार राग पर ही आधारित है। थोड़ा सा म्यूजिक सुन के आपको ये गाना गेस करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है कि ये कौन सा गाना है, और कल फिर से ये गाना म्यूजिक के साथ मैं आपको सुनाऊंगी। ये गाना आपको ढूंढना है, कौन सी फिल्म का है, कौन सा गाना है। कल ये गाना यहाँ पे मैं सुनाऊंगी। और एक कृष्ण भजन भी बहुत फेमस है जो भी केदार राग पर आधारित है, वो भी कल मैं आपको सुनाऊंगी। थैंक यू भूमि जी, थैंक यू। और आज के समारोह में आपने चार चांद लगा दिए इस गरबे के साथ, तो कल डेफिनेटली हम राह देखेंगे आपके सुरों का। थैंक यू सो मच जी। कोई भी समारोह अपने विशेषज्ञ और उनके सिवा अधूरा है, तो गुजरात के एनजीओ श्री अरविंद उसके सब डॉक्टर के साथ उसकी मीटिंग थोड़ी लंबी चली है, तो अभी अभी मैसेज आया है कि जो आपने बता भी दिया और सतम तो उनके प्रयत्न से ही हुआ है, फिर भी कभी कर पाओ भाई कल या परसों जो जरूर सर। तो आपको आपको फिर से सुनते हैं डॉक्टर जानी जी, आपको फिर से सुनते हैं लाइफस्टाइल टिप्स जिससे हम अपना और दूसरों का जीवन स्वस्थता से जी सकते हैं। सर आपको ओवर टू यू। हाँ जी, आपने जैसे गाय के बारे में सुना, लेकिन हर दिन इस नवरात्रि में हमने तय किया है कि कुछ ऐसी एक टिप्स देंगे जो आप कर सके जिससे आप स्वस्थ रहो, जिससे लोग स्वस्थ रहते हैं जो आयुर्वेद की दिनचर्या में वर्णित है। उसमें से एक है उषोपान। उष यानी सुबह, प्रातः अर्ली मॉर्निंग, और उस समय जो पीने का पानी हम पीते हैं वो पीने से क्या होता है उसकी बात मैं थोड़ी रखूंगा। शास्त्रों ने बताया कि सुबह उठ के ही सीधा पहले प्रातः स्मरण करके अपने ऋषि मुनियों को, अपने पूर्वजों को, अपनी परंपरा को याद करते हुए ईश्वर का स्मरण करने के बाद सबसे पहले क्या करना, तो पानी पीना। कैसा पानी पीना, तो रात को तांबे में लोटे में रखा होगा ऐसा पानी पीना। कितना पीना हमें थोड़ा करूंगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट है तो वो आंतों की गति को ठीक करता है, वो पाचन शक्ति बढ़ाता है, वो तीनों दोष को वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित रखता है। और वो पानी पीने से जो किडनी है, मूत्राशय है, वो एकदम क्लीन हो जाता है, जो इसको हम फ्लशिंग कहते हैं, क्योंकि सब टॉक्सिन्स मूत्र के द्वारा निकलने वाले हैं। और उससे कभी आपका पेट नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता। ये उषोपान ऐसे उसके बारे में तो बहुत से सूत्र है, बहुत से उसके प्रोटोकॉल है, लेकिन कितना पीना तो आपकी जो अपनी अंजलि है इतना बराबर आपको वो पीना चाहिए। आपके दोनों हाथ मिला के जो होता है तो कम से कम 250 to 300 मिलीलीटर से आप शुरू करिए, और आप
एक दो लीटर बहुत बोल जाए आठ लीटर पियो, पांच लीटर पियो, ज्यादा पियो तो ज्यादा ठीक होगा, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार, ऋतु के अनुसार, अगर गर्मी है ज्यादा तो अंजलि पानी आपको कुल मिलाकर 250 से 500 के ml के बीच में पीना चाहिए। और वो आपका मैंने जो बोला ब्रह्म मुहूर्त में पीना है, यानी कि सनराइज से डेढ़ घंटे पहले और कम से कम 6 बजे, उसके बाद फिर ये प्रातः मुहूर्त प्रातः काल चला जाता है, फिर तो सुबह हो जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त तो 4:30 से 6 बजे तक होता है, उस समय लेने से पूरे बॉडी की क्लिंजिंग प्रोसेस में हेल्प रहती है, जो मैंने बताया कि उठ के ही तुरंत और आपके वो करना है, कॉपर वेसल्स में रखना है और वो आपके पास जितना हो सके। एक छोटी कहावत करके मैं ये बात पूर्ण करूंगा, प्रातः काल खाट से उठकर पिए तुरंत ही पानी, उस घर वैद कबहू न आए बात गाग ने जानी। जानी तो मैं हूं लेकिन ये जानी यानी जानना, लेकिन कभी भी था पूरे उत्तर भारत में कभी गाग की ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो जितने नुस्खे हैं, जितने परंपराएं हैं, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, जितने ट्रेडिशनल हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेडिशन है, एक एक मुहावरे में कहावत उन्होंने बताया है, वो बस आज जी सर। अभी डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी तो फिलहाल अभी नहीं है, निवेदन करती हूँ कि इस पावन करें। तो जैसे एक नवरात्रि की टिप्स हमने देखी, अब उसी तरह से हमको आगे और बढ़ना पड़ता है कि हमको कैसे करना है, कुल मिला के हमारी जो एक्टिविटी है वो कैसे जीवन की शैली हमारी होनी चाहिए। कुछ हम मंत्र प्रसाद की भी चर्चा करेंगे आपसे कि कैसे प्रसाद लेना, डॉक्टर प्रज्ञा तो उस समय हमने वो मंत्र प्रसाद की भी चर्चा की थी आपके सामने। शैल पुत्री का जो मंत्र है आज का, तो प्रतिपदा के दिन यानी कि आज मंत्र, आज का जो मंत्र है जिससे हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। हरण के बारे में, माता शैलपुत्री के बारे में हमने, और उसका जो मंत्र है उस मंत्र का पूरा दिन जाप करते हैं और वो मूलाधार चक्र में ध्यान करते हैं, जो हेमांगी ने हमको मूलाधार को स्टिमुलेट करने के लिए जो योग और जो बताए उपचार, तो वो मूलाधार चक्र में ध्यान करके जब ऋषि ये मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो वो धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य और आरोग्य और मोक्ष देने के लिए इस माता का वो हरण जो अनुलोमन करती है मल का और वात का, और अनुलोमन हमारा बहुत बड़ी चीज है। अगर वो वायु ऊपर ऊर्ध्वगति में हो गई तो हमारा गुस्सा, हमारा ब्लड प्रेशर बदल जाता है, हमारा नींद, हमारी नींद नहीं आती है, हमको अनइजीनेस रहती है, पाचन गड़बड़ा जाता है। तो वायु का अनुलोमन यानी नीचे की ओर जाना, तो वो और उसके लिए मूलाधार चक्र, तो वहीं से गुदा द्वार से वो पूरा उधर से ये अपान की विकृति कम होती है। तो इसका ये मंत्र था, तो आप फिर से एक बार याद कर लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। और आज की जो प्रसादी है वो है घृत, गौ माता का जो देसी घी है उसका भोग लगता है। घी आपको मालूम है, अत्र गव्यम जीवनीयम मैद्यम रसायनम शतक्षीण हितम बल्यम स्तन्यकरम परम, तो ब्रेन के लिए सबसे बड़ा उपयोग है, शांति रखने के लिए, मेमोरी के लिए, और वो देसी गाय का ही होना चाहिए, बिलोना के साथ ही वो किया जाता है, जो देसी ट्रेडिशनल मेथड है। अभी और मौका मिलेगा घी बनाने का, या तो उसकी चर्चा करेंगे कैसे घी बनाया जाता। आजकल जो बाजार में गाय के घी के नाम से मिलता है उसके बजाय आपका ट्रेडिशनल अपनी परंपरा से गांवों में जो महिला बनाती है उस प्रकार से वो किया जाए तो अच्छा रहता है। तो और आज पहले दिन गाय के घी का माता जी को भोग लगता है, वही खाना चाहिए, उसका अंजन कर सकते हैं, उसके दो बूंद नाक में डाल सकते हैं तो नींद अच्छी आ जाती है। पांव के तलवे में अगर गाय का घी कांस्य पात्र से घिसते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी ज्यादा आती है और अच्छे ढंग से बिल्कुल बिना कुछ डिस्टर्बेंस नींद अच्छी आती है।
तो इतना ही कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू नीलम। अशोक मंगला जी आप अनम्यूट करके वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए, आपको अनम्यूट कर दीजिए, आपको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना? जी ओके। थैंक यू, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, आशा है आप सबको मजा आया होगा। आने वाली YouTube पर जो भी है, जो YouTube पर जुड़े सारी ऑडियंस को धन्यवाद और नवरात्रि की शुभकामनाएं। 9 से 10 बजे YouTube पर माँ के दूसरे स्वरूप के साथ आयुर्वेद के दूसरी औषधि, विश्वसनीय फैक्ट्स और भूमि जी के संगीत, उनका तो क्विज भी है, कल आंसर करना पड़ेगा, और हेमांगी जी के नए योग